नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि शरीर में खून की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी जो है उसे कैसे बढ़ाना है, वो भी 10 दिनों में। इसके लिए हमें एक ही वनस्पति पेल्ट की ज़रूरत लगने वाली है जो हमें कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। उस पेड़ का नाम है बिल्व, मराठी में उसे बेल कहते हैं। हाँ दोस्तों, उस पेड़ का नाम क्या है? बिल्व। तो इस पेड़ के अलग अलग जो अंग है उसको हम यूज करके 10 दिन में हमारा जो हीमोग्लोबिन या खून की कमी है उसे बढ़ा सकते हैं। पहली चीज, इस पेड़ का हमें लगने वाला है फल, और दूसरा इस पेड़ का हमें लगने वाला है पत्ता। ये दोनों को एक साथ यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन दोनों में से कौन सा भी एक प्रयोग किया तो ठीक है। पहले मैं दोनों को यूज कैसे करना है ये बता देता हूँ, और फिर इनमें से अच्छा कौन सा है ये बता दूंगा। पहले बिल्व के फल के बारे में मैं बता देता हूँ। आपको पका हुआ फल लेना है, और फिर उसको फोड़कर आपको उसके अंदर का निर्यास जो उसका गाभा है उसको बाहर निकालना है। फिर उसको आपको छाव में सुखाना है, 2-3 दिन लगेंगे आपको सुखाने के लिए, उसको सुखाना है। फिर आपको उसका चूर्ण बना के लेना है। सूखने के बाद जो हम उसका चूर्ण बनाएंगे तो हमें अब वो यूज करने के लिए रेडी है। इसको हमें दिन में 2 बार यूज करना है, सुबह और शाम। सुबह आपको ब्रश करने के बाद 1 चम्मच चूर्ण लेना है, और उसमें 1/2 चम्मच शहद मिलाना है। इसमें अच्छे से शहद मिलाने के बाद आपको उसे खा लेना है। खाली एक बात याद रखना कि आपको ये खाने के बाद 1/2 घंटा कुछ खाना है ना पीना है। शाम में भी आपको ऐसा ही करना है। अगर आप ऐसा 10 दिन करते हो तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका हीमोग्लोबिन जो है वो 10 दिन में कम 2% से बढ़ेगा, जो कि मॉडर्न में जाओ या दूसरे किसी से भी कर लो, ये 2% 10 दिन में बढ़ना नामुमकिन है। इसका दूसरा प्रयोग है पेड़ के पत्ते, बिल्व के पत्ते आपको लेने हैं, मतलब आपको 3 उसके दल लेने हैं। एक दल मतलब 3 पत्ते, 3 पत्तों वाला एक दल। आपको 9 पत्ते या 3 दल लेने हैं, और आपको लगने वाला है 1 ग्लास पानी। इन दोनों को आपको गैस पे या जो आपके पास अवेलेबल रहेगा उस पे उबालने के लिए रखना है। जब वो पानी आधा ग्लास बचेगा तब आपको उसे उतार के लेना है, और जब वो पीने लायक हो जाएगा आपको तब उस पानी को आपको पीना है। इसका भी यूज आपको चूर्ण के जैसे दिन में 2 बार करना है, वो भी खाली पेट। अब इन दोनों में से अच्छा कौन सा है? इन दोनों में से जो उसका फल है, उसका आपने जो चूर्ण बनाया था वो पर्ण से पत्तों, मतलब अगर आप चूर्ण लेते हो तो 10 दिन में आपके हीमोग्लोबिन की परसेंटेज हो वो 10 दिन में 2% बढ़ा रहा है, तो उसके पत्ते को बढ़ाने में आपको 20 दिन लगेंगे। इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप चूर्ण का यूज कीजिए। अगर वो नहीं अवेलेबल है आपके पास तो आप पत्तों का भी यूज कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई आयुर्वेदिक रेमेडी के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि मेरे नई वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।